यकीन करो घर में कभी कभी वालदेन गुस्से होते हैं कि मतलब शुएब इतना डेंजरस गेम है, एक रेस का गेम है, आप ये गेम खेलते हो तो इसमें आपने देखा भी है काफी बॉक्सर मर भी जाते हैं। मैं अगर मैं पाकिस्तान के लिए जा रहा हूँ तो मेरे लिए मतलब एक खुशकिस्मती की बात है। यही सोचा मैंने कहा कि क्या गलत ऑप्शन मैंने लिया। जी तो नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, ये जैसे कि आप लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा कि ये हमारे पास पाकिस्तान के बड़े छोटे छोटे बॉक्सर्स बैठे हुए हैं इस वक्त प्रोग्राम मेरे मेहमान में। जो मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं वो हैं शुएब खान ज़ेरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए हैं। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। आप लोग हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। आज जो हमारा एक ये प्रोग्राम होने वाला है इसमें आपको पता तो चल गया होगा कि हमारे साथ जो है वो कुछ लिटिल बॉक्सर बैठे हुए हैं, एक हमारे एशियन बॉक्सर के साथ लिटिल बॉक्सर्स भी बैठे हुए हैं। इनके इस प्रोग्राम में आने का क्या मकसद है और ये क्यों आए हैं वो आपको डिटेल जो है वो आगे जाके पता चलेगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे शुएब से। शुएब, मुझे सबसे पहले आप ये बताएँ कि बॉक्सिंग ही क्यों? आपको बताएं मैडम, मेरा जो ताल्लुक़ है वो क्वेटा से ही, तकरीबन क्वेटा जो है बॉक्सिंग के एक मरकज़ कहलाया जाता है इस वक्त। एक बात सिंध में कराची, कराची में खासकर लियारी शहर, और एक हमारा क्वेटा शहर जो बलूचिस्तान में, मतलब ये दोनों जो है बॉक्सिंग के एक मरकज़ कहलाए जाते हैं। तो मेरा ताल्लुक जो है क्वेटा से, वहाँ पर बचपन में जब मैं क्रिकेट खेलता था या फुटबॉल खेलता था तो दोस्त अचानक 5 बजे 4 बजे जब वो चले जाते थे। जब मेरा इनिंग्स का मतलब या मेरा क्रिकेट मैच का या मेरा फुटबॉल मैच का मतलब मेन इनिंग्स होता था तो ये लोग कहते थे हम लोग जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। किस चीज़ की ट्रेनिंग के लिए जा रहे? इन्होंने कहा हम लोग बॉक्सिंग खेलने जाते हैं, वहाँ पे हमारा फाइट आ रहा है, अभी 14 अगस्त की इवेंट हो रही है या 23 मार्च के हवाले से कोई इवेंट हो रहे हैं। तो फिर एक दिन मैंने कहा कि चलो मैं भी आप लोग साथ जाता हूँ। तो 23 मार्च के इवेंट तक मैं जब गया वहाँ पे, ये इस वक्त आपका एज ग्रुप क्या था, क्या एज थी आप? तकरीबन 14 साल, लाइक जैसा सुदेश इतना ही था। जी हाँ, 14 ईयर या 15 ईयर का था मैं। अच्छा, तो 14 साल के बच्चों को तो ज्यादातर क्रिकेट का शौक होता है ना, फुटबॉल का शौक होता है। मैं क्रिकेट से ही गया। यही कह रहा कि आप क्रिकेट जो है क्रिकेट का मैदान छोड़ के तो आप बॉक्सिंग में चले गए। बॉक्सिंग में चला गया वहाँ पे 23 मार्च का, मतलब एक मेला सजाया हुआ था बलूचिस्तान के स्पोर्ट बोर्ड वालों ने, स्पोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने। तो जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने उस्ताद से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मुझे भी इस मुकाबले में खेलने दो। तो उस्ताद ने कहा शुएब ये बॉक्सिंग है, कोई घर की लड़ाई नहीं, कोई मतलब मोहल्ले कुचे की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे आपको मतलब ट्रेनिंग करना होगा, यहाँ पे मतलब बहुत डेंजरस गेम है ये बॉक्सिंग, ये मतलब एक रिस्क गेम है, एक पंच से इंसान मर भी सकते हैं क्योंकि काफ़ी बंदे यहाँ पे पाकिस्तान में मरे। आपको नहीं डर? नहीं, तो बस शौक था, एक जुनून था। जी तो ये अच्छा, तो ये शौक आपको वहीं पे जाके हुआ? जी हाँ, वहीं पे बस मैंने उसी टाइम शौक हो गया। जी हाँ, उसी टाइम शौक हो गया अचानक, बस एक दिल में मतलब जज्बा आ गया, जुनून आ गया। तो उस्ताद को मैंने रिक्वेस्ट काफी किया, उस्ताद ने कहा इतना खूबसूरत ना कि आपको क्यों ना को खराब करते हो। तो मैंने कहा उस्ताद मैं टाइम पास के लिए खेल रहा हूँ। उस्ताद ने कहा जाओ गेट आउट, ये टाइम पास के लिए नहीं होता, ये अगर आपने खेलना है तो शौक से खेलना है। मैंने कहा उस्ताद मैं शौक से खेलूंगा मगर मुझे पार्टिसिपेट करने दो। उस्ताद ने मुझे पार्टिसिपेट करने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि शुएब आप इसके लिए 1 साल ट्रेनिंग करो तब हम लोग इंशाल्लाह आपको खेलने का मौका देंगे। तो फिर मैंने उधर ही उसी जिम में उसी हॉल में जहाँ इवेंट हो रहा था, मैंने घर वालों से नहीं पूछा, नहीं घर वालों से कोई मशवरा अभी तक नहीं किया था। मैंने उसी जिम में उस्ताद को पीस दिया उसी टाइम, लाइक 200-300 रुपया पीस था क्वेटा में, अभी नॉर्मल चल रहे क्वेटा में मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपया पीस होते हैं, या इस्लामाबाद के जिमों में जो है 10,000-15,000 पीस होते हैं। तो मैंने उसी टाइम फौरन मतलब उस्ताद को पीस दिया, मैंने कहा कल से मैं क्लब आऊँगा। उन्होंने कहा बेटे ये आप इवेंट हो रहे, इवेंट से मैं फारिग हो जाऊँगा तब आप क्लब आ जाऊँ। तो इवेंट से जब उस्ताद फारिग हो गया, उस्ताद ने मुझसे काफ़ी मेहनत की। मेरा जो उस्ताद है बेसिक कोच उस्ताद सलाउद्दीन बड़ेच, जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में ट्रेनिंग करवाते हैं, उन्होंने मुझसे बहुत मेहनत किया। तकरीबन 3 महीने 4 महीने मैंने नजर आ रहा होगा कि आप बॉक्सर बन सकते हैं। जी हाँ, 3 महीने 4 महीने उस्ताद ने मुझ पर बहुत मेहनत की क्योंकि उस्ताद ने उसी टाइम मेरा जुनून मेरा जज्बा देखा जब मैं इवेंट के लिए मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए। आपने मुझे अभी बताया कि आप क्रिकेट स्टेडियम से गए थे। जी हाँ, वहाँ पर तो आपका अचानक से आपका जज्बा बन गया, आपका जुनून बन गया। इस तरह जज्बा इस तरह जुनून की आज तक मैंने क्रिकेट का ना बॉल को हाथ लगाए ना बैट को मैंने हाथ लगाए। अच्छा, ना मैं फुटबॉल की तरफ गया, किसी गेम की तरफ भी मैंने गया, मेरा जिंदगी मतलब बॉक्सिंग बन गया। यकीन करो घर में कभी कभी वालदेन गुस्से होते हैं कि मतलब शुएब इतना डेंजरस गेम है, एक रेस का गेम है, आप ये गेम खेलते हो तो इसमें आपने देखा भी है काफी बॉक्सर मर भी जाते हैं। मैंने कहा मैं अगर मैं पाकिस्तान के लिए जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए मतलब एक खुशकिस्मती की बात, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पाकिस्तान के लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। था उधर ही क्वेटा में, हाल क्वेटा टूर्नामेंट हुआ था जिसमें मतलब 14 अगस्त की सिलेक्शन भी हो गई, फौरी आपकी सिलेक्शन हो गई। जी हां, सिलेक्शन होगी, वहां पे ट्रायल्स होते थे हाल क्वेटा के, उसके लिए टीम बनता था। फिर आल बलूचिस्तान के जो मतलब 14 अगस्त की इवेंट था, उस्ताद ने 3 महीने बाद मतलब 4 महीने बाद फौरन एक इवेंट आया तो उसमें उस्ताद ने मुझे कहा कि शुएब पार्टिसिपेट करो। सच सच बताओ, जब पहला पंच लगा नाक पे तो क्या फीलिंग हुई? आंसू निकल आए, नाक टूट गया। फिर घर जब जा रहा था रास्ते में, सर रास्ते में यही सोचा मैंने कहा कि क्या गलत ऑप्शन मैंने लिया, बहुत मुश्किल है वाकई। हमने कहा जी हां, मैंने कहा कि अम्मी ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल होता है शुएब, ये गेम आप खेलोगे तो इसमें नाक भी टूट जाएंगे ये वो। फिर
लाइक मतलब एक दोस्त के साथ जब बैठा अच्छा, था तो पहली दफा खून भी निकला होगा। जी हाँ जैसे ही पहली दफा आपको एक पंच पड़ा होगा खून भी निकला हाँ। होगा, तो खून को इंसान देख के वैसे ही थोड़ा सा हो जाता है ना, थोड़ा सा परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता है उसी टाइम उसी मौके में इंसान परेशान होते हैं। बाद में जब मैं दोस्तों के साथ बैठता था तो मैं उनको कहता था कि भाई आप आज तक खून निकला है, मेरे नाक से खून निकला, मैं बहुत एक बहादुर इंसान हूँ, जी दिलेर इंसान हूँ। तो फिर उस्ताद ने भी दोस्तों ने भी मेरा हौसला अफजाई किया, मुझे मतलब एक मतलब प्राउड मुझे एक हीरो फील किया इन्होंने कि शेब माशाल्लाह आप एक हीरो हमारे, हम लोग आप पे फखर करते हैं। आप जब भी जिस टाइम भी इस इवेंट के लिए जाओगे, जिस इवेंट के लिए जाओगे आपके साथ कम से कम मतलब बैकग्राउंड पे दोस्त भी हो, दोस्तों की भी आवाज़ें आ जाएँ। मैंने कहा इंशाल्लाह जब घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था, घर वाले खुश थे? जी हाँ, जब भी मतलब मॉर्निंग टाइम में ट्रेनिंग करता था मतलब बैग चुपके से लेके जाता था, फिर इवनिंग टाइम ट्रेनिंग भी इसी तरह मेरा बैग चुपके से मैं लेके जाता था। मतलब कि ये सारी जो ट्रेनिंग्स की ये आपने छुप छुप के की? सर छुप छुप के की तकरीबन 3-4 साल। जब मैं हाल बलूचिस्तान हाल क्वेटा चैंपियन बना तो यकीन करो जब मैं मेडल लेके आता था या मुझे बेस्ट बॉक्सर की ट्रॉफी मिलती थी वहाँ पे हाल बलूचिस्तान में, लाइक मैंने आपको कहा कि पहले वो आप एक मरकज है, वो हर इवेंट में 400-500 बॉक्सर होते थे, तो बेस्ट बॉक्सर उस इवेंट में मैं आता था, मुझे जो बेस्ट बॉक्सर की ट्रॉफी मिलती थी, यकीन करो मैं वो ट्रॉफी जो वॉशिंग मशीन में एक्सीस आ गई जगह में मैं छुपाता था कि मैंने कवाले साहब को पता ना चल जाए ये लोग तोड़ेंगे। नहीं तो आपको क्या डर था कि अगर आप बता देते तो पेरेंट्स तो खुश हो जाते कि हमारा खुश होता था, मगर वाले साहब ने कहा लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तब मैंने वाले साहब को कहा कि मेरा एक अपोनेंट घर में भी मुझे मिल गया, अब मैं इतना मेहनत करूंगी इंशाल्लाह कि आप मेरे इस्तकबाल के लिए एक वक्त आओगे। अल्हम्दुलिल्लाह वही दिन वाले साहब ने देखा और मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि मेरे वालिदैन मेरे लिए एयरपोर्ट में आते मेरे इस्तकबाल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, कई मुल्कों में मैं गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत के आता हूँ अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अनडिफिटेड हूँ। अच्छा कितने, अच्छा एक और बात शेयर, मुझे सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन बताएं कि कितनी एजुकेशन है आपकी? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैडम तकरीबन एमएससी पूरा किया। अच्छा। एमएससी स्पोर्ट्स साइंस। जी हाँ, मैं वहाँ पे क्वेटा में जब पढ़ा था मैट्रिक तक मैंने बहुत मुश्किल से मतलब लाइक जैसे मैंने आपको कहा बचपन से मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो वालदेन का दिल था कि नहीं आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पास हो रहा था फेल हो रहा था, बस वालदेन का ख्वाहिश मैंने पूरा किया मैट्रिक तक पढ़ा। तो फिर जब मैं यहाँ इस्लामाबाद हम लोग शिफ्ट हो गए तकरीबन 2014 था मेरे ख्याल से, 2015 था हम लोग इधर इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए, तो मुझे ये पंजाब कॉलेज से ऑफर आया कि शेब आप हमारे तरफ से खेलो हम लोग आपको डिग्री देंगे। मैंने कहा मुझे पढ़ना नहीं है, उन्होंने कहा नहीं ना पढ़ो आप सिर्फ बॉक्सिंग खेला करो। तो पंजाब कॉलेज के लिए मैं टू टाइम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 11th क्लास और 12th क्लास मैंने वहाँ पर डिग्री हासिल की और उनके लिए मैंने खेला अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑल पाकिस्तान पंजाब कॉलेज से मतलब गोल्ड लिया मैंने। फिर उसके बाद इन्होंने जो यूसीपी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है लाहौर में, उन्होंने मुझे वहाँ पे दाखिला दिया, बीकॉम भी मैंने वहाँ से किया, एमएससी स्पोर्ट्स साइंस की डिग्री भी मुझे वहाँ से मिली। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब हाल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटीज़ में भी 4 टाइम खेला और 4 टाइम में बेस्ट बॉक्सर भी है और गोल्ड मेडलिस्ट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप जब जाते होंगे आपका जब मैच होता होगा जब आप बॉक्सिंग के लिए जाते होंगे तो पीछे तो आपकी अम्मी बड़ी परेशान होती होंगी, बहुत सी दुआएं मांगती होंगी। बिल्कुल इसी सबके लिए ही दुआएं मांगती होंगी। अच्छा कभी आपकी नाक की हड्डी शड्डी टूटी हो? कितनी दफ़ा टूटी है ये बताएं। बार बार फाइट में मैंने आपको कहा पंच के गेम में बॉक्सिंग एक बहुत डेंजरस गेम है, जब भी हम लोग फाइट खेलते हैं जितना भी आप मैं अपने आपको बचाता हूं तो मुझे लग जाता है। जी इसके बाद आपका जब आपकी नाक की हड्डी टूटती है ऑब्वियस सी बात है तो उसके बाद आपका ऑपरेट होता है? जी हाँ। तो वो फिर कितने अरसे के लिए आपको? वो इस तरह ऑपरेट होता है मैडम अगर मतलब वो हड्डी बिल्कुल डेंजरस मतलब टूटा हो। ठीक है जी। और नाक की हड्डी भी तो बहुत नाजुक होती है। बहुत नाजुक होती है मगर हम लोग जो मेरा वेट में जो मेरा हाइट सबसे बड़ा होता है अपने ओपोनेंट के साथ, वो मुझे ज्यादातर बॉडी शॉट मारते हैं जो हाइट के बराबर होते हैं उनके पंचेज जो ज्यादा मतलब। अच्छा बड़ी हाइट का भी फायदा होता है? जी बहुत फायदा होता है बॉक्सिंग में, बहुत ज्यादा फायदा होता है। नुकसान सिर्फ ये है कि बड़ी हाइट का जो वेट है वो बहुत मुश्किल से कम होते हैं। हमारे बॉक्सिंग के जब भी फाइट होते हैं फाइट से तकरीबन 10 घंटे पहले हमारे या 12 घंटे पहले बॉक्सर के वेट होते हैं बॉडी वेट, कितना वेट होना चाहिए? तकरीबन 12 वेट होते हैं बॉक्सिंग में, मैं लाइट वेट में कह रहा हूँ, लाइट वेट जो 61 केजी है। ठीक है जी। वैसे मतलब मैं 63 में भी खेल सकता हूँ, 67 में भी खेल सकता हूँ। अच्छा, तो लाइक 70 से अबव नहीं होना चाहिए, लाइक मैक्सिमम सुपर हैवी तक भी हो सकते हैं, 100 प्लस वेट भी होते हैं बॉक्सिंग में। अच्छा। या उनके अपोनेंट भी उसी तरह उसी वेट के होते हैं। ठीक है ओके ओके। अच्छा जब आप आए तो पहले तो मुझे लगा कि जो शुएब है ना सही मोटे ताज़े, लाइक हमें तो डर लगने लग जाएगा शुएब से, शुएब को देख के ही हमें डर लगने लग जाएगा सही जो है ना वो बॉडी शॉडी बनाई हुई होगी। तो कभी दोस्त डरते हैं आपसे कि शुएब के साथ तो मजाक में भी लड़ाई होती है ना, शुएब के साथ हम पंगा नहीं लगे? ऐसे ही हम लोग घर में दोस्त एक दूसरे को पंच कर देना, थप्पड़ लगा देना, कुछ कर देना, कुछ शरारत कर देना ना, तो फ्रेंड्स तो आपसे डरते होंगे? नहीं नहीं फ्रेंड्स को लाइक मतलब मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मतलब मेरे हाथ से आप लोग जख्मी हो जाओगे। हाँ। क्योंकि मैं राज जो लाइक इनके सामने इस तरह जैसे एक इंजेक्शन। हाँ। जब मैं इनको टच करता हूँ तो इनको लाजमी दर्द महसूस होता है, तो मैं कहता हूँ कि आप लोग कोशिश करो मुझे इस तरह तंग क्या करो
कि असले में रहूँ। हाँ, अगर अच्छा आप शुएब, नज़दीक रहोगे तो मैं मजबूरन कितने आपको पंच टोटल मारूँ। आपके कितने मैच हुए होंगे, टोटल कितने आपने खेल मैडम चुके एक हैं? एमेच्योर बॉक्सिंग होते हैं, एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग होते हैं। प्रोफेशनल टोटल बॉक्सिंग जो, सारे जी हाँ, टोटल आप कितने खेल चुके हैं? प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप तक खेला जाता है, एमेच्योर बॉक्सिंग जो ये ओलंपिक तक खेला जाता है। ठीक मैंने है, एमेच्योर बॉक्सिंग में जो 120+ फाइट जीत चुका हूँ मैं, अलहमदिल्ला अच्छा 100, 20+ फाइट जीत चुका हूँ। अच्छा जी हाँ, जबरदस्त, 120 से ज़्यादा फाइटें मैं जीत चुका हूँ ठीक अलहमदिल्ला, है, जिसमें सिर्फ 4 फाइटें मैं हारा हूँ। और अच्छा प्रोफेशनल में अलहमदिल्ला मैं अभी 5 फाइटें खेला हूँ, 5 फाइटों में मैं अनडिफिटेड हूँ अलहमदिल्ला अभी तक। जी हाँ, जबरदस्त। ओके जी, हमारे साथ मौजूद थे एशियन बॉक्सिंग चैंपियन शुएब, और अभी हम शुएब से ये पूछेंगे कि अगर कोई कोई बच्चे जो आपको देख रहे हैं, आपके क्लब को ज्वाइन करना चाहें, रावलपिंडी इस्लामाबाद से कोई ज्वाइन करना चाहें या फिर पूरे पाकिस्तान से आपके क्लब को ज्वाइन करना चाहें, तो वो किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने तकरीबन इस्लामाबाद में मैडम कहीं भी हर सेक्टर में मेरा अलहमदिल्ला क्लब है। ठीक है, अगर मेरे क्लब ना हो तो मैं इस्लामाबाद बॉक्सिंग एसोसिएशन के लाइक में, मतलब इस्लामाबाद बॉक्सिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, ठीक तो है, मैं किसी और कोच का इतला देता हूँ और उनको मतलब पता देता हूँ कि मतलब आप इसे कॉन्टेक्ट करो इस कोच से, तो तो आपका जो कॉन्टैक्ट कोचिंग नंबर को कैसे मिल सकता है? आप वो लोग बच्चे जो मुझसे हैं, जब पेज पर रब्ता करते हैं, मेरे इस्लामाबाद बॉक्सिंग एसोसिएशन का अपना एक पेज है, ठीक उसमें है, मैंने अपना मतलब व्हाट्सअप नंबर दिए, लोग जब मुझसे रब्ता करते हैं तो मैं जहाँ पे भी जिधर भी इसको नज़दीक पड़ते हैं उसी कोच का हवाला मैं देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद में अलहमदिल्ला तकरीबन 45 कोचेज़ होते हैं। ठीक है, जी और हाँ, अगर पूरे पाकिस्तान से किसी डिफरेंट इलाकों से अगर बच्चे जो हैं वो आपसे रब्ता करना चाहें जी तो? हाँ, लाइक जैसा हमारे इस्लामाबाद बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसी तरह पंजाब का अपना एसोसिएशन, इसी तरह कराची का अपना एसोसिएशन है, तो हम लोग वो एसोसिएशन को जो मैंने जता रहे हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर उसको देते हैं ताकि उसको वहाँ पे नज़दीक पड़े और आसानी हो उसके तो लिए। क्या शुएब, हम आपका नंबर जो है, जो आपका प्रोफेशनल नंबर है, ऑफिशियल जो आपका नंबर है, जी हाँ वो स्क्रीन पे चला सकते हैं? बिल्कुल, चला सकते हो आप लोग। आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे, जो आपके आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शुएब का एक नंबर जो है वो आप लोगों के सामने शो हो रहा है, आप लोग जी डायरेक्ट शुएब से रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल, और अगर आप लोग इनके क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोग अपने इनके क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी होस्ट सुंदर श्यास को दीजिए इजाज़त, कैमरामैन मोहम्मद इसरार के साथ मैं हूँ सुंदर श्यास, देखते रहें न्यूज़ बॉक्स।